हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिज़ाइन क्वेश्चन, डिज़ाइन विंड ब्रिज ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 kHz। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन और R1, RF, R और C की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ये सम बहुत इजी है, दो ही फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी का और गेन का। ओके, कैलकुलेशन इतना सिंपल है, फिर भी एग्ज़ाम में बहुत लोग एक गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है ओप एम्प, तो वो गेन का फॉर्मूला माइनस RF अपॉन R1 ले लेते हैं। तो ये एक गलती से पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो ये ध्यान में रखो कि ये नॉन इन्वर्टिंग में काम कर रहा है, तो गेन क्या लेनी है, 1 + RF / R1। ओके, तो इसमें एक ही चीज़ करनी है, पहले फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से डायरेक्टली स्टार्ट करो, F = 1/2πRC। ओके, अभी R आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने C अज्यूम किया तो, क्योंकि F इज़ ऑलरेडी गिवन। तो मैं C अज्यूम कर रही हूँ 1 nF। ओके, तो अगर C 1 nF अज्यूम किया तो ये R की वैल्यू आ जाती है 159.15 K। ये सिर्फ कैल्सी में डालना है आपको, स्टैंडर्ड वैल्यू में ले लेती हूँ 158 K। तो R का तो बंदोबस्त हो गया, R और C निकल गए। अब R1 और RF निकालना है। तो हमें पता है कि गेन क्या होती है नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प की, 1 + RF / R1। अभी ये तो डिराइव्ड है कि गेन ऑफ विंड ब्रिज ऑसिलेटर = 3, तो यहाँ पे गेन हमेशा 3 ही होने वाली है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखा। तो अभी ये हो जाएगा 2 = RF / R1, तो RF = 2R1। ओके, तो मैं यहाँ पे R1 अज्यूम करती हूँ 10 kΩ। ओके, तो यहाँ पे RF हो जाएगा 2 × 10 = 20 kΩ, स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी RF = 22 kΩ। सिंपल, तो RF निकल गया और R1 अज्यूम किया है, सिंपल। तो R, C, R1, RF, ये चारों वैल्यूज़ हमें अब सिर्फ ये सर्किट में लिखनी है, सिंपल।